आप आयो को नहीं, शेर दानो को नहीं उड़ दे रहे बीमा कंपनी जी के बा गोरी कौन करे पीसा दाप के ले गेड़ी है अब फिर कट गयो हाड़ी को बीमो। अच्छा, अब किसान पीसा तो कट गया जी, सावनी फसल गई अभी शेर दानो को नहीं उड़ तो अकाल में बैठे सारा एकदम अराबी काल है। हरियाणा में जो ढाई ढाई हजार रुपया माने दिया 700 रुपया आज दिन में दो किसान ने बिजली। अच्छा, सर्दी के माँ की टीम है अपना विशेष। अच्छा, नेशनल स्तर के खेलने छोरा। अच्छा, सगड़े भाई राम राम और सलाम, मैं हनुमान थे देख रहे हो जलको हनुमानगढ़। आज आप डंडेले गांव के अंदर फुगिया और गाँव वालों अठे गाँव वालों जानागा भी गाँव के के सुविधा है और के दुविधा जिकी है इन गाँव के अंदर है और आप अठे गाँव वालों बातचीत करके देखागा। और यूँ पहली एक है ते सागे हनुमानगढ़ की देसी खबर खातर चैनल ने सब्सक्राइब भी कर लियो और वीडियो ने शेयर भी करियो। अच्छा, बतावा नहीं अब पानी हाँ मारे नहर के 48 दिनों में पानी आवे फसल सारी सूख गई। 48 दिनों कर दियो मारे पहले आओ तो बोलो तो मारे आओ तो 32 दिनों अब आवे हमारे 48 दिनों अब तो कर दियो तो फसल मारी चौपट हो गई। हरिया ही बोलेगा हाल लियो है पानी की समस्या बहुत जोर की है। अरे कांग्रेस की सरकार में हुई है और मैं बैठे सुख सी कोई समस्या को नहीं मारे पहले आओ तो पहले हमारी नहरें 2 रेगुलर स्लम चलती फिर 4 रेगुलर स्लम बना दी और अब 6 रेगुलर स्लम कर दिया 28 दिन से कर दिया इसलिए गांव सारा दुखी है और 48 दिनों कर दिया मनो बारी लग जाती पूरी 50 दिनों में आवेगी। अच्छा, धरना कितना दिनों में बैठे है? 3 दिनों बैठे हैं धरना। 5-6 दिन हो गया बहुत मोटा हो गया 15 दिनों पानी मिले माने मिले 30 दिनों और अब बन मिलेगा 15 दिनों पानी और माने मिलेगा 48 दिनों जब मारे कोई नहीं तो कोई हरियो चारो रहे न मारी कोई फसल रहे। बरसात तो बिल्कुल हुई कोनी फसल सारी बड़गी भी मुझे कोई आज तक बीमो आना ही कोनी मारो भी जिक्री कौन करे राज्य सरकार खागी कौन खागी के है बीमो अब आयो कोनी नहीं शेर दानो कोनी उड़ दे रहे और शेर की आवास कोनी नहीं है आड़ी आई थी खड़ी नहीं ना पानी तो आवे ही कोनी नहीं और बरसात हुई कोनी नहीं तो अब सारों मोटी समस्या तो है कि किसान ले रही दाना कोनी है अभी दाना कोनी संभालना कोई है कोनी पहले नहर जी की बात तीन ग्रुप में जिया मान लो 22 दिनों पानी आ जान तो अब के है 48 दिनों यानी 2 महीने का सारा हो गया 2 महीनों आवे जब फसल बिजड़ती तो बढ़ जाएगी रे वाह तो बाकी क्या समस्या होनी बाकी तो समस्या गांव बैठी है गांव में तो सारों मोटी समस्या तो पानी हरी हुई यार। दूसरी बिमो कौन खा गयो मारो बिमे बारे में जिक्र ही को नहीं वो मैं जाइए SDM ती पूछ आया मैं पीछे बिमो आए हुए अरे अब मान लो शेर दानो को नहीं हुए नहीं अरे बिमो बेरो को नहीं बैंक में पूछ आया का मार कने अब बिमो फिर कट गयो अब हाड़ी गोर की खन गया पछन कोई तो आधार तो वही है बीमा कंपनी ने पूछ लियो बीमा कंपनी जी के गोरी कौन करे पीसा दाप के ले गेड़ी है अब फिर कट गयो हाड़ी को बीमो। अब किसान पीसा तो कट गया अभी कटे 3 दिन पहले जी सावनी फसल गई अभी शेर दानो को नहीं डर तो अकाल में बैठे सारा एकदम अराबी काल है पानी अब नहर को कोई भी को लाग तो नहीं बस नहर को नहीं आवाज भाई साफ है समस्या ही समस्या मेन समस्या है और तो क्या समस्या आनी पानी तो आवे पीने और नहर है सारे राजे है खाना दाना के रेपड़े नहीं आवे तो कोटे पर राजे है समस्या है बस। दूसरी मारी नहर जी बस आगी रेगुलेशन हो हरियाणा पानी कौन देवे नहीं तो रास्ता सरकारी बंद कर लिया मस्तानी हेडू तो हरियाणा पानी देने लग रहे हैं ओ पानी अपनों अग लेड़े जो पानी आने को ला रहे नहीं राज्य सरकार ध्यान दे कहने केंद्र सरकार ध्यान दे हरियाणा के एक वो बिल भी जिको आयो है वो कृषि बिल आ रहा वो किया किसान के लिए फायदा मन देखो बिल जिको है वो किसान का तो फायदा को है व्यापारियों का नुकसान हुआ है किया किया थे बताओ मैं बताऊं अब इन माज का ज्यादातर घुस रहे हैं व्यापारी मंडी वाला ही घुस रहे हैं भी किसान जो को है भी कने अब कॉन्ट्रैक्ट खेती को है तो मेठे का प्रा भी दे रखी है ठेको ये कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट कह देता हूँ मैं हिंदी में भी ठेको कहूँ भी ठेके पर जमीन देवा तो मान लो ठेको है ठेके पर जो देना चाहो तो दे दो नहीं देना चाहो तो ना दो नुकसान तो किसान का तो कोई नुकसान को नहीं किसान जो अठा बेचा को अभी 5,000 चीज की है वापिस 500 बिके जो अठा 10-11% इन ऊपर टैक्स है वो किसान का समझ में कोनी ला रहे नहीं घुस रहा बैठा है और आंदोलन में किसान मेरे पक्ष में कोनी नहीं एक ही ना बिल्कुल एक ही कोनी में भी मन ने फायदा दिखा है
मंडी खत्म बह के मंडी खत्म हो जी। मंडी तो है पहले भी चलन आ रही है, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट खेती ऑलरेडी चलन आ रही है। जीक रहे तो दे दियो, नहीं जीक रहे तो टाल कर दियो। तुम्हारे मारे तो कोई समस्या कोनी नहीं। ए आरतिया घुस रहे हैं मां, रोजगार भी प्राप्त कर चुके हैं। 16-17 खिलाड़ी नेशनल खेल चुके हैं। गाँव को बच्चों बच्चों राज्य स्तर पर खेल रहे है। सारी चीज की सुविधा है, कोई मतलब कमी को नहीं है फिलहाल गाँव में। एक नंबर सब टिप टॉप काम चले, कोई प्रकार की कोई समस्या को नहीं। अच्छा नहीं, एक बेती लोग जी मानना है वे भी थरगाम। हाँ भाई, बहुत बड़ा कास्ट कलाकार है, राज्य स्तर पर पहचान है, मांगी विश्व रिकॉर्ड धारी है और बढ़िया आदमी है। बढ़िया कला जाके नमूनो देखो थे, बढ़िया पसंद आना कलाकार है। कोई दिक्कत को नहीं, बान थोड़ा सो बढ़ाओ मिल जाए तो ठीक है। मैं बाँ खातर थे आगे कोई मुद्दों रखो भी कास्ट कला बान कोई मिले तो सही है। सारी चीज की सुविधा बढ़िया है, सारा गेम चलेगा। सारा गेम चले, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, सब गेम चले। अच्छा कोई विशेष भी है, टीम भी है जी? हाँ जी, हॉकी टीम है अपना विशेष। अच्छा नेशनल स्तर के खेले छोरा? अच्छा नेशनल स्तर का जिका खिलाड़ी भी है क्या? हाँ हॉकी है। हाँ जी, खेल ग्राउंड के अंदर सारी सुविधा है? सारी सुविधा है खेल ग्राउंड के अंदर, बढ़िया कोच है, कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा कोच है खटू है जी? हाँ कोच है जी, गांव का जी। हाँ सीनियर खेले पे लाग गया पे छोरा ट्रायल ट्रूल देवे खिलावे। तिलोक है, तिलोक बहुत बढ़िया कलाकार है, कई जगह सम्मानित तो है, कलेक्टर साहब सम्मानित होड़े 3-4 बारी और बहुत मानी जड़ो कलाकार है, मूर्ति कलाकार है, अच्छो कलाकार है, मूर्ति मार्चे और सोना तो बड़े जिला में है। अपना नोड़ी हुआ है, मानगढ़ी भी हुआ है, कलेक्टर का बन दी है। गांव के लिए तो बहुत बढ़िया बात है, गांव बढ़िया है, बढ़िया गांव के लिए बढ़िया। एक विकलांग है मान लो, चिन्ह का जानकारी कौन बतावे सरकार? अरे अचार हरियाणा में तो दिया 2,500 रुपया, माने दिया 700 रुपया, वो कोई चुक है की कौन दे? और जो की बताना चाहिए 1,500 रुपया तो मिलना चाहिए, नहीं माने बुढ़ा ने दे कौन है सागे विकलांग न्यारा रोटी दे गुण माने के दियो चुनाव लड़ा दे और ना क्या लड़ा दे चुनाव मन दो सुविधा में तो 10 रुपया ही मांगा नहीं जे सरकार दे तो सरकार माँ बाप हो सबकी जी। अरे बड़ी कई जगह बहुत सम्मानित हो गयो, बड़ी बड़ी जगह सम्मानित हुई है, की बनवा लियो अपने चाहो कंपनी को बनवा लियो, हल बनवा लियो, कोई भगवान की मूर्ति बना लियो, मोदी सरकार की मूर्ति भेंट कर दी बने ऊपर सरकार ऊपर लगा लाग रही सरचार्ज लाग है, कोई अच्छा कोई आवे ही कोनी मारे संभाल लेन में नहीं कोनी कोई 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 कोनी सर्दी पर माइनस डिग्री तापमान आ रही है, अब दिन में देनी चाहिए, अब किसान सारा पाड़ा का मां बड़े खराब होने लग रहे है, अब दिन में दो किसानों ने बिजली। अच्छा। सर्दी के मां सरकार की मारी मांग है दिन में दो बिजली, अब सर्दी बहुत पड़े है, किसान मतलब बहुत ही परेशान होने लग रहे है, अब बिजली सबसे मोटी आई समस्या भी है। के अंदर किसान आंदोलन करा के वो किए है? ठीक है ठीक है, वो किया भाई किसान के तुम्हारा वो हड़ताल करे, हड़ताल चालो नहीं दिए मारे लिए ठीक है, वो दिक्कत को नहीं। MSP की गारंटी लिख तुम्हें गारंटी दे दे सरकार और मारे कोई दिक्कत को नहीं, बाकी मारे बिलाम तीनों बिलाम कोई दिक्कत को नहीं, MSP की गारंटी दे सरकार बस। जमींदार ने पीछे कुंड देखो जो दाना ले जाके जो हरेक दे देगा, अगर नहीं देगा तो बाद दाना नहीं ले जाओ डाट चुमाने कुंड देखो किसी को दे एक ही आठ चाहिए बोल दे किचन मंडी खत्म नहीं होनी चाहिए मारो सोच तो है। तो देखिए फसल बीमा क्लेम आवे थर के आज कर दे भाई आई करे। अच्छा और कोई पानी पुणी की नेरंग इरंग कोई समस्या भी है? नेरंग ना तो मारे तो बाखड़ती हो कोई पानी दे नहीं कोई कमी दे बेटा भाई। हां तो 50 ना मिनो कर दियो बेटा। अच्छा कोनी आ पानी पुणी दे जा, अब तो कोई सरपंच कोई काम ही कौन चले अब तो लॉकडाउन गण में। अच्छा पानी पुणी तो कम ही आवे तो कोनी आवड़ो पानी पुणी की आरेगी कच्चे तो गांव के बता बम छवियां बोलो है डंगो काम को नहीं करेडो और गलियों की बहुत ही तकड़ी दुविधा हो रही है हमारे। ठीक है न कोई नाली निकल रही डंगो गांव गए सारा के अंदर मतलब कटाई खड्डा कर दिया कटाई ऊंचो कर दिया कटाई नीचो कर दिया तो समस्या पानी की सारी हो रही है, जबकि न तो कोई सही निकासी है डंगी
और ना ही कोई निकासी को समाधान होने लग रही। बस स्कूल के अंदर पहुंचा दी, रोड को बटा कोई सुधार को नहीं हो और जटा भी मान लो टिप्पण लाग रही है बैठा गलियां गलियां एज की बनेड़ी है और जो गोरो पथ बने साइड में जकी नालियां निकाल रही है वह मान लो पूरी सही ढंग बनी को नहीं, बाकी पानी की निकासी को नहीं। हमारे गाँव में अठे दो तीन रोडवेज बसा चलती, अब बिंगो मानने कारण को पतो को नहीं क्यों का अठे दो चार एक बस प्राइवेट चलती जिक टोपरिया का सौ है बांगी चलती, तो वह बसा चालने कारण इली रोडवेजा ही जकी हरियाणा रोडवेज है मोटा चौधरी आदमी है आप इन दाबों बंद करवा दी। वह जकी महारानती रोडवेज बस वह फतेहबाज ले गए और रावसर जानती मारा बहुत तकड़ी सुविधा है, तीन बसा आती तीन ही जानती बस सुविधा आ खत्म कर दी क्योंकि सरपंच को बिंग मासा का लगाव हो क्योंकि रिश्तेदार आ, तो वह बसा बंद होने के कारण अब हमारा बसा मुड़ के चाली को नहीं, बहुत ही मोटी समस्या हो रही है। मैं तो और के होता है तो बस अड्डो हमारे मंजूर हुए टोपरिया जिकी हमारी मेन रोड हूँ जिकी रोसर हूँ भादरा रोड है जिकी एक माऊ बस अड्डो हमारे मंजूर हुए टोपरिया बटे में बस अड्डो लगा अभी हमारे बनाए पड़े देख लियो ने तुम दिखा देंगा वो ना तो जब भी टाइम में हमारे गाँव को सरपंच मैं टोपरिया हूँ सरपंच हालांकि जिंगिया मारी सारी तय हो रही एर भी मैं बा बोलियो मारी हेठ जिंगिया में लगान कौन दिया यानी गांव का सारा टाबर पढ़ने जावा और जा तावड़े बैठ खड़े रहे ते जानती बार देख लियो भी कोई छिया है एक बट बैठन भी कोई और कोई रिश्तेदार भाई बेली आवे तो वह तावड़े में खड़े रहे। पांच नंबर वार्ड में एक ऑटो परना पक्की है ये भी परना पक्की है बीच बीच में देखिए चार घर है आगे कच्ची छोड़ दी और बिंगी वीडियो की है अब आईडी है वीडियो साहब ने एमएलए साहब ने सारा नई चीज अवगत कराया है और देखो टोपरिया देखो मारो बस स्टैंड बनो बिंगा आठ पड़े वह लियाडा वह माने लगान कौन दिया बठे लगान दोनों साइड का सरपंच एक ही आ अठले सरपंच को सालो पर लो टोपरिया रो आ कर गए जगह को नहीं अठे रिड कोरा रा मंजूरी दी फिर भी कौन लगान दिया। अच्छा डंडेरा गांव के अंदर आप पहुंचे और अठे आप सरपंच साहब हजारी जी आप भी बातचीत करके देखा गांव की ये समस्या है समाधान है भी बताओगा तो सरपंच साहब एक तो सर जी गाँव आ रहे नारे जी को ले नहीं वो सड़क वो सही को नहीं और बिंग बजों की कादो कीचड़ भी है वो बहुत ज्यादा हो रही है वो निकासी जी की है पानी की बाहन कौन लग रही वो तो साहब ये है कि अब जिया नए काम है जिया टेंडर हो जाए टेंडर होने बाद में जी मैं सड़क बनाऊंगा फिर वाकई लेवल लेके और फिर ही बनाऊंगा ताकि पानी आ गए निकासी हो जाए बिंगी कई प्रयास जी को है तो देखो जी अब टेंडरिया हो जाए टेंडर होने बाद में भाई पहले महीने में जिया दूसरे में चालू हो जाओ चालू होने बाद में चालू कर दिया काम। अच्छा नहीं एक गांव रहा भी किना एक शेड पड़ी है बनी हुई वो भी कौन लागन लाग रही है बस स्टैंड पर तो इनको के प्रयास शेड तो देखो वो पिछली बार भी बात ट्राई मारी यार मैं जब भाई पंचायत में हुई को नहीं तो मेरे पे कई नौजवान सोरा इकट्ठा हो गए बोले यार 500 रुपया करो आप अपने स्तर पर करा भूतपूर्व पहले सरपंच हो बने कोई प्रयास कौन करियो और मैं बिना सरपंच भी 500 रुपया दिया यार कोशिश करी मैं अपने शेड बनवा अठे बस को आने जाने को रूट बनवा हनुमानगढ़ से तो मैंने आश्वासन में छोरा गया बोले आश्वासन भी दी मैंने कभी थे वो थोड़ा बनवा छ जरूर में लेकिन 12 महीने हमारे पास कोई सफलता कौन मिली और पूर्व सरपंच हो बा कोई तो भाग को लिया नहीं तो देखो जी अब कोशिश करा ना भाई नया अब मैं तो नया नया आया अब हर 12 महीने में घरे बैठे कोई काम छेड़ो को नहीं क्योंकि बिना बजट कोई काम छेड़ को उसका में सरकारी और हाँ ध्यान में मेरा पहली बार ये पंचायत तो मारा हूँ पहली को ध्यान में मैंने अच्छा जब वो यहीं पड़े हाँ जब वो करो जो कौन लागन लाग रहे वो कौन ही है 12 महीने फिर थोड़ा इन्हें मैंने कौन ही भाग लिया जिक्र तो करे और पीछे भी इकट्ठा करिए एक बार 500 रुपया मैं आप भी दिया अपने 15-20 और इकट्ठा हो गिर के भाई थे 500 रुपया तो मैं आपने लिया वहाँ तो धंडेरा गांव के अंदर पहुंच गया और अठे समस्या है भाभी देखी और एक अठे बढ़िया बात आ भी है कि अठे हॉकी का है वे खिलाड़ी भी है जिसका नेशनल स्तर पर भी खेले रहे और अठे गांव के अंदर भी देखिए सरपंच साहब बात करके देखिए जो समाधान है वो कत करवा देगा और बाकी वीडियो थे शेयर भी करियो ताकि गांव की ये झलक है परिचित हो उसको और चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो सारे बेल आइकन घंटी के निशाने बिन भी दबा लियो ताकि आगाना और वीडियो है वो थाने मिल जाएगा। जय हनुमानगढ़ जय राजस्थान जय हिंद।